Students, we have to find out the shortcut to find the squares. Method क्या करना हमने आपको कि square कैसे निकालें? हर exam में calculations आती हैं, जैसे ये squares हैं, 11 का square, 12 का square, 13. ये तो आपको learn करने पड़ेंगे. 20 तक ये हो गया, 21 से लेकर 30 तक ये हो गया. ये सारे अगर आपने learn कर लिए, then you can learn from जो method है ना, जिससे आप निकाल सकते हो 32 से लेकर 99 तक के और उसके बाद 125 तक के स्क्वायर्स. ये सारे स्क्वायर्स आप इजीली निकाल सकते हो, बट ये याद होने चाहिए. अगर ये याद नहीं होंगे तो फिर नहीं निकलेगा. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज इसका स्क्वायर निकालना है, तो आपने करना क्या, 44 जैसे ये है, 44 का स्क्वायर आपने निकालना है. इसको दो बार लिख लो. अभी जब स्टार्टिंग में बता रहा हूं थोड़ा लंबा लगेगा, सेकंड टाइम जब बताऊंगा तो इजी हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कर दो, लिख दो ऐसे. हमेशा ये याद रखना कि 32 से लेकर 99 का जो स्क्वायर का आंसर होगा वो ऑलवेज 4 डिजिट में आएगा. ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4 को 4 से 16 एंड 4 को 4 से 16. अब क्या करना है, ऊपर वाली जो दो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है. 4 4 से 16 और इसका डबल कर दो. इसका डबल जो होगा वो यहां पर एक वैल्यू छोड़ के लिखना आपने. 16 का डबल 32, ये इसका आंसर आ जाएगा. That means 44 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 1936. चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक दो बारी करेंगे तो इजी हो जाएगा. जैसे सपोज मुझे निकालना स्क्वायर 82 का, 2 का स्क्वायर कर दो सीधा 4, लेकिन दो डिजिट में लिखना, 04 लिखना. 8 का स्क्वायर 64. अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 8 2 जा 16, 16 का डबल 32, वो इस तरह से लिखना है. ये स्क्वायर आ गया 82 का. एक और एग्जांपल लेते हैं, 78 का स्क्वायर करना है. 8 का स्क्वायर लिखो डायरेक्टली 64, 7 का स्क्वायर लिखो डायरेक्टली 49. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 78 जा 56 और 56 का डबल कर दो, वो कितना आएगा, 1 1 2, वो यहां पर लिख दो, इसको छोड़ दे. 1 1 2, 4 ये आ गया, 8 ये आ गया, 0 एंड 6 डायरेक्टली आ गया. आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई भी वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कोई और वैल्यूज ले लो. चलो कई एग्जांपल करा देते हैं. इसमें आपको 63 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सीधा लिखना 09, दो डिजिट में लिखना है. 6 का लिखा 36, देन इसका डबल किया मल्टीप्लाई करके, 6 3 जा 18, 18 का डबल 36, तो आंसर क्या आ गया, 3969. ठीक है, बाकी स्क्वायर जिनका एंडिंग डिजिट जो 5 होता है वो तो मैंने बता ही दिया था आपको. जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है, तो जिसका एंडिंग डिजिट 5 हो, 5 का क्या कर देते हैं, 25, और इसको इसकी नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 * 5 क्या होता है, 20, ये इसका स्क्वायर आ गया. 75 का निकालना है, तो 5 का 25, 7 से नेक्स्ट क्या होता है, 8, 7 8 जा 56. ठीक है, अब इससे आगे क्या करते हैं, 99 से ऊपर वाली वैल्यूज, 104 का स्क्वायर निकालना है सपोज. ये और इजी होते हैं, 100 के बेस पे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ क्या करना है, 4 का डबल 8 वो ऐसे लिख देना है, 108 एंड 4 का स्क्वायर लिख दो, होगा स्क्वायर 108 16 107. लो 7 का डबल 14, 114 सीधा लिख देना आपने, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया स्क्वायर. थोड़ा बड़ा ले लेते, चलो 112. जब आपने 112 का लेना, 12 का 24, ये तो 24 हो गया, बट आंसर 5 डिजिट में आना है. 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, तो 144 ऐसे लिखना, इसका स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो ऐसे आप जितने मर्जी स्क्वायर निकाल सकते हो. इजी ये तब लगेगा मेथड जब आपको ये लर्न हो गया. अगर ये लर्न नहीं है ना 20 से लेकर 30 तक और 11 से 20 तक, तो फिर ये मेथड वेस्ट है आपका. सो ये स्क्वायर का मेथड था हमारा, शॉर्टकट टू फाइंड द स्क्वायर. इजी वे में आप ऐसे स्क्वायर कर सकते हो, 32 से लेकर 125 तक, 32 से लेकर 125 तक इजी वे में हो सकते हैं. इवन और आगे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें. ठीक है, और बाकी शॉर्टकट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.